कानपुर हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे हुआ गिरफ्तार मशहूर कॉमेडियन सुरमा भोपाल यानी जगदीप की हुई मौत प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स कानपुर हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है कि विकास दुबे आज सुबह ही महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचा था और पर्ची भी कटवाई थी उसने अपना नाम विकास दुबे ही पर्ची पर लिखवाया था और मोबाइल नंबर भी दिया था मंदिर के सामने विकास दुबे ने अपना नाम जोर जोर से चिल्लाकर कर ये भी बताया कि वो विकास दुबे है और सरेंडर करने के लिए आया है उसने स्थानीय मीडिया और पुलिस को भी जानकारी दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है आपको बता दें कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे पर ढाई लाख का इनाम भी रखा गया था शायद इनकाउंटर का खौफ विकास दुबे को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जो इनपुट अब तक सामने आए हैं उससे यह साफ है कि विकास दुबे अपनी मर्जी से सामने आया है वहीं मगर एम पुलिस का कहना है कि विकास दुबे को उसने गिरफ्तार किया है वही दूसरी खबर बता रहे हैं आपको मशहूर कॉमेडियन जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे इक्यासी साल की उम्र में जगदीप ने अपने घर में आखिरी सांस ली है बस 2020 बॉलीवुड के लिए काल साबित हो रहा है कई अनमोल कलाकारों को बॉलीवुड ने साल 2020 में खो दिया है फिल्म शोले में मशहूर किरदार सुरमा भोपाली के लिए दुनिया भर में जगदीप को जाना गया था बढ़ती उम्र और दिक्कतों की वजह से जगदीप ने मुंबई स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली आपको बता दें कि सुरमा भोपाली यानी जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च उन्नीस को एक वकील के घर में हुआ था जगदीप ने फिल्मी सफर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया था मुंबई के मुस्तफ़ा बाजार मज गाँव में सिया कब्रस्तान में आज जगदीप को सुपुर्दे खाक किया गया है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स